हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनस्टॉपेबल क्लासेस। में इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत के लोक नृत्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक उत्सव और देश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। सूफीवाद, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, ये SSC CGL का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, शैव धर्म। अब यहाँ पे भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का तमिलनाडु का लोक नृत्य है, जिसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न है, देश का दशकठिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हुए दो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है, वो कौन सा है, कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, उड़ीसा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, उड़ीसा। उड़ीसा का जो फेमस लोक नृत्य है वो आपको याद रखना है, क्या है? जात्रा। जात्रा जो है उड़ीसा का फेमस लोक नृत्य है, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? जीका देसाई, घूमर, कोलकली या फिर कोला कोली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है जीका देसाई, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब यहाँ पे झारखंड का जो फेमस लोक नृत्य है वो याद रखना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। झारखंड का जो फेमस लोक नृत्य है वो अलकय कर्मा, अग्री, अलकय कलमा, अग्री, झूमर, झूमर पाइका फगुआ, झूमर पाइका फगुआ। इसको दो तीन बार रिपीट करिए तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, झारखंड। तो चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? SSC CGL में आया प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, नागालैंड। अब नागालैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो फेमस लोक नृत्य है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कुकी नृत्य, तितली, कुकी नृत्य, तितली नृत्य, कोके नृत्य, तितली नृत्य और आलू आलू यट्टू नृत्य, आलू यट्टू नृत्य, इन सबको आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगले प्रश्न में दिया है, अलारिपु नृत्य। अलारिपु नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? भरतनाट्यम का, ओडिसी का, कथकली का या फिर कथक का? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज भरतनाट्यम। भरतनाट्यम बताया था, ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है, तमिलनाडु का लोक नृत्य है, जिसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पे जो अलारिपु का जो अर्थ होता है ये आपको याद रखना है, अलारिपु का जो अर्थ होता है वो एक फूल वाली कली के, जिसको आप याद रखेंगे, लालपू का अर्थ एक फूल वाली कली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, थबल चोकबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? थबल चोकबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मणिपुर। अब यहाँ पे मणिपुर के जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य आपको जो याद रखने हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पहला आपको याद रखना है रासा, रासा लोक रा, रासा नृत्य, लीला, गौरा लीला, रासा लीला गौरा लीला, रासा लीला गौरा लीला, कुंग कुंग चालों, चालों, रासा लीला गौरा लीला कुंग चालों, ये मणिपुर के फेमस लोक नृत्य हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और गोवा की बात करते हैं तो गोवा का भी आपको याद रखना है लोक नृत्य। गोवा का भी जो फेमस लोक नृत्य है वो क्या है, वो घोड़े घोड़े मोहनी, घोड़े मोहनी। दूसरा है धनगर, घोड़े मोहनी और धनगर नृत्य, गोफ तलगड़ी, गोफ तलगड़ी नृत्य, गोफ तलगड़ी नृत्य और रागमो रागमो और रागमो और मच्छर के, रागमो और मच्छर के, ये गोवा के इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है एग्जाम के लिए। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो इनका जो लोक नृत्य एग्जाम के लिए, पहला है छऊ छऊ, दूसरा है छाऊ छऊ छाऊ नृत्य, मुंडारी नृत्य, मुंडारी मुंडारी नृत्य, गंभीर मुंडारी नृत्य, गंभीरा नृत्य और बाउल नृत्य, बाउल नृत्य, गाजन गाजन नृत्य, कीर्तन नृत्य, गाजन कीर्तन राभा, गाजन कीर्तन राभा और चैबारी और चैबारी। तो यहाँ पे छऊ छाऊ मुंगरी मुंडारी गंभीरा बाउल गाजन कीर्तन राभा चौबारी, ये चीज को आपको याद रखना है, ये इनके इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय राज्य उड़ीसा में मुख्य रूप से नहीं किया जाता है? उड़ीसा में कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है? पाइका, घूमर, ढाक, भवाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है आपका भवाई है। भवाई जो है ये गुजरात में, गुजरात का लोक नृत्य है जिसको आप याद रखेंगे, भवाई गुजरात का लोक नृत्य है। और पाइका की बात करें तो पाइका किस राज्य का है? तो पाइका जो है एक मार्शल आर्ट है, पाइका एक मार्शल आर्ट, पाइका एक मार्शल आर्ट लोक नृत्य है, लोक नृत्य है, इस चीज को आप याद रखेंगे। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो अन्य लोक नृत्य है जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है, चैती चैती घोड़ा, चैती घोड़ा डंडा, चैती घोड़ा डंडा नाच, डंडा नाच, केल केलुनी, केल केलुनी, रनापा नृत्य, रनापा नृत्य, जिसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। रायना घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ओडिसी, कथक, कथकली, मणिपुरी। तो रायगढ़ घराना जो है ये कथक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब कथक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है जिसको आप याद रखेंगे। और मणिपुरी जो है ये मणिपुर का लोक नृत्य है, मणिपुर का लोक नृत्य है। और ओडिसी का जो ओडिसी है ये ओडिशा का लोक नृत्य है, ये ओडिशा का लोक नृत्य है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न है, झामदा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? असम, महाराष्ट्र, मणिपुर, झारखंड। झामदा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आपको याद रखना है झारखंड से संबंधित है। अब झारखंड के जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है वो आपको याद रखना है, भीरोहर, भीरोहर मुंडेरी, भीरोहर मुंडेरी खड़िया, भीरोहर मुंडेरी खड़िया, ये झारखंड के लोक नृत्य है। असम की बात करें तो असम का जो फेमस लोक नृत्य जो है वो बिहू, बिहू बागुरुम्बा, बिहू बागुरुम्बा, बिहू बागुरुम्बा, भोरताल, भोरताल सत्या, भोरताल सत्या, भोरताल सत्य। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य आपको याद रखना है, लांगड़ी लांगड़ी, दूसरा है कोली लांगड़ी, कोली पोवा डांस, पोवा डांस और तमाशा, पोवा डांस तमाशा, ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लोक नृत्य
कितनी प्रमुख शैलियां हैं? 7, 3, 9 या फिर 5? ये सर से सीजीएल का क्वेश्चन है। तो छह लोक नृत्य में कितनी प्रमुख शैलियां होती हैं? 3 होती हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम। तो कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी भी शायद भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, खेम दास को लोक संगीत और खुद नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह लोक नृत्य किस राज्य का है? हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का, पंजाब का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर का। तो जम्मू और कश्मीर का जो लोक नृत्य याद रखना है आपको, जम्मू और कश्मीर के जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है वो राव राव भांड पाथे, राव भांड पाथे, राव भांड पाथे, हाफिजा, हाफिजा दुम है, हाफिजा दुम है। ये जम्मू कश्मीर के लोग नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शास्त्र में भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई जाती है? अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, वैमानिक शास्त्र या नाट्य शास्त्र? तो किस शास्त्र में भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नहीं पाई जाती है? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी, नाट्य शास्त्र। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।